भारत हजारों सालों से पोर्ट के जरिए से ट्रेड करता आ रहा है। इंडियन मैरिटाइम की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है। भारत एशियन टाइम से ही एक स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम पावर रहा है। भारत इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में सी रूट के थ्रू मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करता था। एशियन टाइम में भारत से ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड गुजरात के सी रूट से हुआ करते थे। मौर्य अंपायर के समय भी भारत सी रूट के जरिए से ईस्ट और अरब के साथ ट्रेड करता था। एशियन टाइम में भारत सिल्क और मसाले का ट्रेड ज्यादा करता था। इसके अलावा एशियन इंडिया में चोला और कलिंग अंपायर की नेवी इंडियन ओशियन में रूल किया करती थी। चोला अंपायर की नेवी तो इंडियन ओशियन, मालदीव्स, बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में रूल किया करती थी। एशियन टाइम में भारत की ग्रोथ में मैरिटाइम ट्रेड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अगर भारत उस समय सोने की चिड़िया था तो उसके पीछे मैरिटाइम ट्रेड का एक मेजर पार्ट था। एशियन टाइम में भारत मैरिटाइम ट्रेड के चलते एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। इसीलिए कोलंबस भारत की खोज में निकला था, पर वो अमेरिका जा पहुंचा था। फिर बाद में ब्रिटिशर्स भी भारत के साथ ट्रेड करने के लिए ही भारत आए थे। अगर आप भारत को वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन का अंदाजा होगा कि भारत अरेबियन सी से होते हुए अरब, अफ्रीका और यूरोप के साथ ट्रेड करता है। वहीं बे ऑफ बंगाल से मलक्का होते हुए चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ ट्रेड करता है। पर इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन होने के बावजूद भारत उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहा है जितनी वो एशियन टाइम में किया करता था। भारत दुनिया की एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे इंडियन ओशन के थ्रू वर्ल्ड का 13% ट्रेड होता है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक ये 16% हो जाएगा। तो अगर भारत को इंडियन ओशन में सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले भारत को अपने पोर्ट को मॉडर्नाइज करना होगा और साथ में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे ये भारत को 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में हेल्प करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, अगर किसी भी देश के पास पोर्ट होता है तो उस देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। सबसे पहले जिस देश के पास बड़े बड़े मॉडर्नाइज पोर्ट होते हैं उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। साथ में देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, देश की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने लगती है, दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन भी स्ट्रांग होने लगते हैं और साथ में देश की मैरिटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ती है। पोर्ट किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय वर्ल्ड का 70-80% इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट के जरिए से होता है। अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखोगे तो पोर्ट की मदद से सिंगापुर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, चाइना तेजी से ग्रो हुआ है, यूके तेजी से ग्रो हुआ है, जापान तेजी से ग्रो हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा पोर्ट से नेवी को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जिस देश का पोर्ट जितना ज्यादा एडवांस होता है उस देश की नेवी को बैटल सिचुएशन में उतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आप ब्रिटिश एम्पायर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, अच्छे पोर्ट होने की वजह से ही उनकी शिप्स को लगातार सपोर्ट मिलता रहता था, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके कई सालों तक राज किया था। इसके अलावा आज के समय चाइना की नेवी जो इतनी ज्यादा पावरफुल है उसका मेन रीजन चाइना के एडवांस पोर्ट है। तो पोर्ट्स देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। भारत के पोर्ट्स की बात करें तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पोर्ट्स मौजूद है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार है। भारत के पास इस समय 13 मेजर और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है और नॉन मेजर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। वही मुद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है जो अडानी ग्रुप के पास है। इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 शिप रिसाइक्लिंग कंट्री में से एक है। इंडिया अपना 95% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से इंडियन ओशन के रूट के जरिए से करता है। वहीं 70% ट्रेड वैल्यू के हिसाब से इंडियन ओशन के रूट से करता है। पर भारत आज तक इंडियन ओशन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पोर्ट सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कंजेशन की प्रॉब्लम है, पुअर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, स्लो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन की प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि साल 2020 में भारत सरकार ने मर्चेंट शिपिंग बिल 1958 को रिपील करके मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 को इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल का मकसद यूएस, चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे डेवलप देशों की एडवांस शिपिंग टेक्नोलॉजी को अपनाकर भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना है। इसके अलावा फरवरी 2021 में भारत सरकार ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 पास किया था। इस बिल से पोर्ट्स में डिसीजन मेकिंग आराम से हो सकेगी। इससे पोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस
इम्प्रूव होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $6.6 बिलियन के 58 प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं जो भारत के पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इसके अलावा भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की भी शुरुआत की है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर एक साल बाद उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट 10 साल के लिए होल्ड में चला गया। फिर उसके बाद भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट्स को बनाना है जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव हो सके। भारत 90% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट्स बनवा रही है, पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रही है जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और भारत का ट्रेड बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस समय भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के चलते देश में 6 नए मेगा पोर्ट्स को भी बनाया जाएगा। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर भारत के कोस्टल एरियाज में 14 न्यू कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन में इनलैंड वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल एंड क्रूज शिपिंग एंड सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन, ऑटो, टेलीकॉम और आईटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी एनहांसमेंट के अंदर भारत के सारे पोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सागरमाला की मदद से जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कोस्टल इकोनॉमिक जोन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मान लो अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर से देश में आएगा तो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से देश के किसी भी कोने में आराम से पहुंच जाएगा, और अगर कोई भी प्रोडक्ट भारत में बन रहा है तो वो इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से बहुत जल्दी पोर्ट में पहुंच जाएगा और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा कोस्टल कम्युनिटी को होगा। कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगी, कोस्टल एरिया पे काफी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होगी जिससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, फिशरी एक्वा कल्चर डेवलपमेंट होगी और साथ में कोस्टल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कोस्टल एरियाज में बहुत सारे लाइट हाउस बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, म्यूजियम बनाए जाएंगे जिससे इन इलाकों में टूरिज्म भी बढ़ेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर 5.48 लाख करोड़ रुपीस के 802 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने का टारगेट 2035 रखा गया है। बीते 7 सालों में 99,000 करोड़ रुपए के 194 प्रोजेक्ट कम्प्लीट किए जा चुके हैं। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू 45,000 करोड़ रुपए के 29 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 2.12 लाख करोड़ रुपीस के 218 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में जो 2 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे और 2.37 लाख करोड़ के 390 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट पाइपलाइन में। इन प्रोजेक्ट को अभी असाइन करना बाकी है। अब आप जानना चाहोगे कि भारत सरकार ने इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं, क्या इससे कुछ चेंजेस आए हैं? तो देखो, इससे भारत का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। 2014 में भारत का पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था, जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उस देश का ट्रेड उतना तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा भारत सरकार के इनिशिएटिव से इंडिया के पोर्ट्स की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने रिकॉर्ड 795 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल किया था। सिर्फ एक साल में कार्गो हैंडल में 10.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के शिप्स की फ्लीट साइज भी बढ़ी है। 2014 में इंडियन शिप्स की फ्लीट साइज 1205 थी, वहीं 2023 में ये बढ़ के 1526 हो गई है। इसके अलावा जहां 2014 में भारत का कोस्टल शिपिंग ट्रैफिक 74.9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम था, वहीं 2022 में 133 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हो गया। इसके अलावा भारत के पोर्ट्स की कार्गो कैपेसिटी हर साल
साल तेजी से बढ़ रही है। तो देखा जाए भारत का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। देखो भारत इस समय दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2027 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और साथ में $5 trillion की इकोनॉमी भी बन जाएगा। पर अगर भारत को तेजी से $5 trillion इकोनॉमी बनना है और फिर $10 trillion इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए भारत को अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना होगा, तभी भारत फ्यूचर में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा और साथ में नेवी सुपर पावर भी बन सकेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।